गाइस, अभी शाम हो गई है और मैंने दिया लगा दिया है भगवान को, और अब मैं थोड़ा सा थोड़ी देर रामायण पढ़ूंगी 5-10 मिनट, एंड देन उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूंगी। तो आप लोग को भी लेके चलती हूँ कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, आप लोग को सब दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम की मेरी रूटीन दिखाऊंगी मैं आपको, और कल हम लोग गए थे तुलसी मार्केट, तो वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी के वीडियो में। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि हमने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की थी। तो चलिए गाइस देखते हैं। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समझो उर देव, पाछिल देहु दुखु ना हृदय से व्यापा, जैसे यह भय वहाँ परितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वहाँ उनकी समझ में आया, स्वामी जी स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। तो हाय गाइस, ये फिर मैं ना रामायण पढ़ने के बाद थोड़ी सी डायरी भी लिखती हूँ। डायरी में जो भी मुझे अच्छा लगता है, कुछ मेरे मन में अच्छी बातें आती हैं अपने बेबी के लिए, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, तो उसके लिए मैं डायरी लिखती हूँ। रामायण के साथ साथ ये एक्टिविटी भी मैं रोज़ करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो कर लेती हूँ। और इसके बाद शाम के डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पर तो मैं पालक और उसमें थोड़े से बैगन और आलू डालकर मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ। कुछ 6:30 ही बजे हैं अभी यहाँ पर, और बस पालक मैं यहाँ पर रेडी कर लूँगी, एंड देन फिर जो थोड़ा बड़ा मेरा काम होगा वो करके और फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और थोड़ा सा मैंने शाम को आज लगाई थी मशीन, सुबह नहीं लगाई थी, तो ये अभी गर्मी में वैसे भी जल्दी से हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो कभी कभी मैं शाम को धो लेती हूँ कपड़े। हाय गाइस, ये कल हम लोग ने जो शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ क्विकली, जो भी हमने थोड़ी मोड़ी की है शॉपिंग। तो फर्स्ट हमने ये वाला कुर्ता लिया है, मम्मी के लिए लिया है, येल्लो कलर का, बहुत ही प्यारा हल्दी कलर का है, और ऐसा इसका ना टिशू जैसा ऐसा कपड़ा है, बहुत ही प्यारा मटेरियल है इसका, और अच्छा लॉन्ग है पूरा, और इसमें अस्तर भी दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था ये, तो ये वाला लिया है हमने। एक्सेल साइज में है ये, 550 का पड़ा था ये हमको, और फिक्स रेट था वहाँ पर, बहुत ही अच्छा कुर्ता है 550 में, तो अच्छा लगा हमको तो हमने ये ले लिया है। फर्स्ट ये लिया, एंड सेकंड ये छोटे छोटे से पॉनिटर्स लिए हैं दो, और ये लिए हैं मम्मी के लिए दो गाउन। मम्मी की शॉपिंग ज़्यादा हुई, ये नॉर्मल प्लेन गाउन है, सिंपल मैं उससे इतना ज़्यादा ओपन करके नहीं दिखा रही, बस इसमें यही वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर ऐसी कढ़ाई है, कलर इसका बहुत ही प्यारा है, मेहंदी कलर का, डार्क मेहंदी कलर, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला। एंड देन ये वाला है एक ब्लू कलर का, फिरोजी कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी, टाइड आई प्रिंट टाइप के प्रिंट्स हैं इसमें, बस इसका कलर नहीं जाना चाहिए, बाकी लग तो बहुत अच्छा रहा है। ये बिल्कुल 250 में मिले हम लोग को, बहुत ही सस्ते थे ये, बहुत ही और सुंदर भी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका। एंड देन हमने ये दुपट्टे लिए, ऐसे फेस वगैरह कवर करने के लिए लगते रहते हैं ना, और अगर किसी ड्रेस में मैच हो गए तो उसको वैसे भी पहन लेंगे, तो ये है दुपट्टे, बहुत अच्छे, इसकी चौड़ाई लंबाई 100-100 रुपीज़ के मिले ये हम लोगों को। तो हमने ऐसे एक तो दो तो हमने ऐसे सिंपल स्कार्फ जैसे लिए हैं, ऐसे सिंपल, ये भी बहुत ही प्यारा है, देखिए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं ये भी, तो और दो ऐसे वाले लिए हैं वाइट वाले जो फेस कवर करने वगैरह के लिए हैं, ये दो ये वाले और दो वो वाले लिए। एंड देन फिर आपने देखा होगा कल वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि हम लोग वहाँ पर गए थे 1 ग्राम गोल्ड वाली ज्वेलरी लेने के लिए गए थे, तो मेरी सिस्टर आई हुई है तो उसने उसको मम्मी के लिए लेना था 1 ग्राम, तो ये देखिए वाले लिए हमने कड़े, ये
33 का सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए पास्टर को दिखाते, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चूड़ियों के बीच में तीन तीन, एक हाथ में तीन कड़े हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और एक नेकलेस भी लिया है उसने, ये भी 1 ग्राम गोल्ड का है। ये बिल्कुल भी ना ये फेड नहीं होते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं सालों। और वैसे भी हम कौन सा डेली यूज़ में यूज़ करते हैं इनको, तो ये बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडी टाइप का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये भी, इसका भी कलर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी देते हैं वो लोग, और अगर जाता भी है तो रिटर्न हो जाता है। बाकी ये छोटे छोटे से इयर रिंग्स वगैरह, वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ से छोटे छोटे से इयर रिंग्स, झुमके वगैरह लिए हैं। कि नॉर्मली जैसे छोटी मोटी पूजा है घर में, तो थोड़ा सा अगर आप ट्रेडिशनल कुछ पहनते हो तो उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, कोई से भी कुर्ते में मैच हो जाते हैं ये वाले जो रहते हैं ब्लैक मेटल के, तो ये उसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए एक ये ऐसे 5-6 छोटे छोटे से लिए हैं, एंड देन ये वाला एक नेकलेस का सेट है। ये भी बहुत चीप प्राइस में मिल गए थे, 120-150 के अंदर ये मिल जाते हैं आपको हर शॉप, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स में ऐसे वाली ज्वेलरी मिल जाएगी। और ये छोटे छोटे से इयर रिंग्स के साथ भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देखिए ऐसे इसको बहुत प्यारे लग रहा है ये भी। और उसके अलावा ये छोटे छोटे से ऐसे टॉप्स हैं, जैसे वो रहते हैं ना पर्ल के टॉप्स और कुछ स्टोन वाले टॉप्स, वो लिए हैं मेरी सिस्टर ने। देखिए ऐसे वाले छोटे छोटे हैं। बस तो इतनी शॉपिंग की हम लोगों ने, और तो आई थिंक सब दिखा दिया है मैंने, बस इतनी शॉपिंग की, उसके अलावा बस खाना पीना ये वो किया, बहुत मज़ा आया कल। तो गाइस यही था सब कुछ, आज इतना ही शॉपिंग किया था हमने जो मैंने दिखाया आपको। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, गुड नाइट।